गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू सेकेंड चैप्टर ऑफ योर ईवीएस बुक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो चीजें जिंदा हैं और जिनमें या फिर जो चीजें जिंदा नहीं है। इन दीज देयर इन द वर्ल्ड देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारे विश्व में दो प्रकार के चीजें होती हैं, तो लिविंग या नॉन लिविंग, मतलब जो सांस ले सकती हैं या जो सांस नहीं ले सकती है। सम एग्जाम्पल्स आर, अब उनके कुछ एग्जाम्पल्स, लिविंग थिंग्स जो सांस ले सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, मतलब हम एनिमल, जानवर, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सब क्या है, सांस ले सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि बुक, चेयर, टेबल, पेन एटसेट्रा, आपके आसपास जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, फीड देयर यंग वंस, दे कैन ग्रो, फील एंड दे कैन मूव। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, अपने बच्चे को खाना खिला सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आसपास घूम सकते हैं और अपने जैसे और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कोई भी चीज नहीं कर सकता। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किस में सांस लेती हैं, हवा में, एंड यूज अ पार्ट ऑफ इट, और उसका कुछ पोर्शन यूज करती है। हम एयर में से क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन व्हाइल ब्रीदिंग, हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। द ऑक्सीजन हेल्प्स द बॉडी टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है जो हम खाते हैं उसे तोड़ने में मदद करता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, जब ऑक्सीजन की मदद से हम अपने खाने को दो भागों में तोड़ते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द लिविंग थिंग्स गेट दिस इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर अराउंड देम। अब हमें ये जो लिविंग थिंग्स है उसे ये ऑक्सीजन गैस मिलती कहाँ से है, या तो हमें एयर से मिलेगी या वाटर से। अब हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एयर से ले लेते हैं, ऐसे ही जैसे फिश एक लिविंग थिंग है, वो किससे सांस लेती है या किससे ऑक्सीजन लेती है, पानी से। द एक्ट ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ब्रीदिंग, अब सांस लेने को, ऑक्सीजन लेने को ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस, अब ज्यादातर एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स किससे सांस लेते हैं, नोजेस से। अब डिपेंड करता है, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो अपने होल्स में, अपनी बॉडी में जो उनके छिद्र होते हैं उनसे सांस लेते हैं, और जो फिशेज होती हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, फिशेज ब्रीथ थ्रू ग्रिल्स। बट प्लांट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ देयर लीव्स, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो भी तो नॉन लिविंग थिंग है ना, वो किससे सांस लेते हैं, उनकी लीव्स, उनकी पत्तियों पर, उनकी पत्तियों की सर्फेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे सांस लेती है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उन पोर्स का क्या नाम है, स्टोमेटा। दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीद आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम, अब प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में तो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इनटेक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पौधे लगाओ। ड्यूरिंग नाइट दे ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग्स फीड, अब हम हैव लिविंग थिंग है हम तो खाना भी खाएंगे, फीड मतलब खाना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू रिमेन अलाइव, जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो सांस ले सकते हैं उनको खाना भी चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। फूड हेल्प्स देम टू ग्रो, फूड उन्हें बढ़ने में भी मदद करता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं उन्हें अपना फूड किससे मिलता है, प्लांट से। बट द एनिमल प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। टू प्रिपेयर द फूड दे नीड सोयल, अपना खाना बनाने के लिए प्लांट को किन किन चीजों की जरूरत है, सोयल, मिट्टी, अर्थ जहाँ पे पौधा लगाएंगे, जमीन तो चाहिए, वाटर, पानी, एयर, आसपास की हवा, सनलाइट, सूर्य की रोशनी और द ग्रीन पार्ट इन द लीव्स। अब हमने बोला ना लीव्स पे अपना खाना बनाते हैं, छिद्र से सांस लेते हैं, वहां पे एक ग्रीन पिगमेंट होती है उसका नाम है क्लोरोफिल। द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, हमने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं ग्रीन लीव्स जिसकी मदद से पौधे अपना खाना बनाते हैं उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटो सिंथेसिस। सो ऑल लिविंग थिंग्स शो द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीडिंग, अब सारे लिविंग बींग्स अपना करेक्टरिस्टिक मतलब अपनी क्या चीज दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हम खाना खाते हैं। एक मिनट बेटे,
अब प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये तो हमें पता ही है. हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है. लिविंग थिंग्स ग्रो, अब हम खाना खाएंगे, सांस लेंगे तो बढ़ते भी हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो मतलब बढ़ती हैं. द इंक्रीज इन द साइज, हम अपने आकार में बड़े होते हैं. वॉल्यूम ऑफ अ लिविंग बींग एज इट बिकम्स ओल्ड इज कॉल्ड ग्रोथ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उम्र में वैसे वैसे हमारा जो शरीर है वो भी ग्रोथ करता है, साइज में बड़ा होता जाता है. ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बढ़ना, ग्रोथ. अ बिग ट्री ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉल सीड, एक छोटे से सीड से बड़ा ट्री बन जाता है. एंड ओल्ड मैन इज ग्रोन फ्रॉम अ स्मॉल बेबी, छोटे से बेबी से एक बड़ा, मतलब बूढ़े हो जाते हैं हम. पपीज बिकेम डॉग, जो छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं है ना, बड़ा होकर कुत्ता भी बनेगा. किटन बिकम्स कैट, छोटी बिल्ली कैट बन जाती है. काव्स बिकम काउज और बुल, जो हम बच्चे देखते हैं काऊ के बड़े होके काऊ भी बनेगी. चिकन बिकम हैंस और कोक्स, छोटे छोटे जो चिकन्स होते हैं वो हैन या कोक मुर्गी मुर्गा बन जाते हैं. बट द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, अब नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती. हमारे घर पे बड़ी कुर्सी तो नहीं बड़ी हो जाएगी. अ स्मॉल पेंसिल कैन नॉट ग्रो इनटू अ बिग पेंसिल, अब पेंसिल छोटी अपने आप बड़ी कैसे हो जाएगी. और अ स्मॉल टेबल कैन नॉट बिकम अ बिग टेबल एटसेट्रा. अब हम देखो सीड से एक बड़ा ट्री बन गया, छोटा सेपलिंग बन गया, सेपलिंग से सीधा बड़ा ट्री बन गया, छोटे पप्पी से बड़ा पप्पी. पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर एकदम बड़ा हो जाता है ना. स्मॉल सेटलिंग, स्मॉल प्लांट, फिर बिग ट्री, स्मॉल बेबी, चाइल्ड बॉय और गर्ल, और फिर मैन और वुमेन, पप्पी का डॉग और बिचेस, चिक्स का हैन और कॉक्स. इसी से जितना आज हमने पढ़ा, आप ये चैप्टर अपने घर पे पढ़ेंगे, आपको जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रही हूँ, आप अपनी कॉपी में उसे करेंगे. थैंक